हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज का अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा। देखिए, मीन निकालने के तीन मेथड है। जो हमारी सबसे पहला मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड, उसके बाद है शॉर्टकट मेथड, और उसके बाद थर्ड मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो आज हम बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड के ऊपर। तो सबसे पहले जैसे हम फॉर्मूला पे बात करते हैं, तो हम सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला। तो ये देखिए, ये है इसका फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ डी, और जो ये यहाँ पर लगा हुआ ना कोमा, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफे, अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। अब हम हमारे फॉर्मूला को डिफाइन करते हैं। देखिए, फॉर्मूला में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है शॉर्टकट में और स्टेप डेविएशन में। आप जो ये डी देख रहे हैं ना, इस पे जो है अपोस्ट्रोफे लगा हुआ है, बस यही एक डिफरेंस है, और एक ये सी है। हम इन दोनों चीजों को अभी डिफाइन करते हैं। तो डी किस चीज को डिनोट कर रहा है? डी डिनोट कर रहा है हमारा स्टेप डेविएशन को, जैसा हमारे मेथड में लिखा भी हुआ है कि स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये स्टेप डेविएशन क्या है? इससे पहले के वीडियोस में हम ओनली डेविएशन को कैलकुलेट करते थे, जो कि हमारा x माइनस a था, अज्यूम्ड हमारी x की वैल्यूज को हम अज्यूम्ड मीन से माइनस करते थे। लेकिन इसमें क्या स्टेप डेविएशन? अब देखते हैं कि स्टेप डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है। तो स्टेप डेविएशन निकालने के लिए देखिए, तो हमारी x की वैल्यूज होंगी, हम उसको माइनस करेंगे हमारे अज्यूम्ड मीन से। अज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं ये मैंने इससे पहले वीडियो में भी बता चुका हूं, और उसको डिवाइड करेंगे सी से। सी की चीज को डिनोट कर रहा है, अब ये देखते हैं। अब देखिए, एक्स हमारा है वैल्यू ऑफ द सीरीज, या फिर ऑब्जर्वेशंस। हमारी सीरीज में जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, और ए से सिंपली अज्यूम्ड मीन, और सी डिनोट करता है हमारा कॉमन फैक्टर। अब ये कॉमन फैक्टर क्या है, चलो हम एक सम सॉल्व करते हैं, उसमें देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या होता है। देखिए, जो हमारी x की वैल्यूज हैं, अब उनमें कॉमन डिफरेंस कितना है? देखिए, ये हमारी जो पहली वैल्यू है 10, फिर दूसरी है 20, इनमें डिफरेंस कितना है 10 का। इसी तरह से हम ईच वैल्यू को एक दूसरे से देखते हैं कितना डिफर कर रहे हैं। एक कॉमन फैक्टर निकल के आता है, कॉमन वैल्यू निकल के आती है कि जो हमारा 10 का डिफरेंस है सभी के बीच में, ईच वैल्यू एक दूसरे से डिफर कर रही है 10, इसलिए हमारा कॉमन फैक्टर है 10। तो चलो हम इसका जो पहला स्टेप है डेविएशन, क्योंकि स्टेप डेविएशन निकालने के लिए पहले हमें चाहिए डेविएशन, क्योंकि हमारा फॉर्मूला यही था ना कि x माइनस a अपॉन c। तो पहले हम डेविएशन निकालते हैं। तो अज्यूम्ड मीन हमारा कितना है 30। अज्यूम्ड मीन मैं इससे पहले ही बता चुका हूं कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो 30, 10 से हमने 30 को माइनस किया, ऐसे ही करके हमने ईच वैल्यू को, एक्स की वैल्यूज को, सभी को अज्यूम्ड मीन से माइनस किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? डेविएशन तो निकल गया, अब स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन क्या था? जो हमारा डेविएशन है उसको हम डिवाइड करेंगे कॉमन फैक्टर से। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या था? 10। और ये देखो, इसका फॉर्मूला यहां पर भी लिख दिया है कि डी अपोस्ट्रोफे मतलब स्टेप डेविएशन एक्स माइनस ए अपॉन सी। तो सी है हमारा 10, जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस है एक्स की वैल्यूज के बीच में। अब देखिए, अब हम इसे डेविएशन को हम डिवाइड करेंगे हमारे कॉमन फैक्टर से। जैसे डेविएशन हमारा पहला था 20, जो x की पहली वैल्यू है वहां पर आ रहा है हमारा 20, तो 20 को हमने हमारे कॉमन फैक्टर 10 से डिवाइड किया माइनस 2। इसी तरह से हम हरेक वैल्यू को डिवाइड करेंगे। तो ये आ गई हमारी स्टेप डेविएशन की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा एफ डी, फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई विद स्टेप डेविएशन। जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं, हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप डेविएशन से। अब देखिए, हमारी फ्रीक्वेंसी थी पहली 4, उसको हमने मल्टीप्लाई किया स्टेप डेविएशन की जो पहली वैल्यू थी माइनस 2 से। इस तरह से हमारी ये
सारी वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे और निकालेंगे सिग्मा एफ डी, जो हमारी फ्रीक्वेंसीज और स्टेप डेविएशंस की जो वैल्यूज आई हैं उनका करेंगे हम सम। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा सिग्मा एफ डी की वैल्यू आ गई -1। दूसरी बार हम देख लेते हैं हमारे फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला की देखिए सारी वैल्यूज हमारे पास हैं फॉर्मूला की। ये देखिए ए की वैल्यू है 30, सिग्मा एफ डी है -1 और सिग्मा एफ है 19 और सी की वैल्यू है 10। अब इन सभी वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो ये आया हमारा ए की वैल्यू 30 अज्यूम मीन सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ 19 और हमारा कॉमन फैक्टर 10। अब जो ये इक्वेशन है हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए जब आप -1 को डिवाइड करोगे 19 से तो ये आएगा आपका 0.053 और मल्टीप्लाई विद 10 तो ये हो जाएगा आपका 0.53। आप उसको डिवाइड करोगे 30 से तो ये आ गया आपका आंसर 29.47 और यही है आपका मीन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।